The question is, rocket is fired vertically from the Earth with an acceleration which is equal to 2g. ठीक है. On an inclined plane inside the rocket, making an angle theta, a point object of mass m is kept. So हमें म्यू निकालना है जिसके लिए ये इक्विलिब्री में रहे ना फिसले. तो अगर मैं ये कहूँ कि विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट देख लेता हूँ, और इस ये तो फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसको इनर्शियल फ्रेम बनाना है. इनर्शियल फ्रेम बनाना है तो एक सूडो फोर्स लगेगी. तो सूडो फोर्स कितने लगेगी? नीचे लगेगी. यहाँ पर कितनी लगेगी? इसका मास इंटू टू जी. ठीक है, तो अब ये तो आसान है करना, हमारे लिए तो ये रेस्ट पे आ गया. इसके ऊपर यहाँ पे एक एम जी और लगेगा इसका वेट. ठीक है जी, और अगर आप इसके कंपोनेंट कर दें तो यहाँ पे होगा दो थ्री एम जी कॉस थीटा, और ये होगा थ्री एम जी साइन थीटा, और इस तरफ लगना चाहिए फ्रिक्शन. तो फॉर इक्विलिब्रियम यहां नॉर्मल भी होना चाहिए. नॉर्मल शुड बी इक्वल टू थ्री एम जी कॉस थीटा एंड थ्री एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब वो म्यू को मिनिमाइज करा रहा है, याद रखना. मतलब कि म्यू को मिनिमाइज कराने का मतलब क्या है भाई? जैसे आपने कहा कि म्यू की वैल्यू कुछ है, मान लिया म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 पे नहीं मूव कर रहा, उससे कम. भाई 0.5 पे अगर नहीं मूव कर रहा तो 0.6 पे भी नहीं करेगा, 0.7 पे भी नहीं करेगा, 0.8 पे भी नहीं करेगा. मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम. क्यों? बिल्कुल ही मतलब बस ऐसा करें. उसको दो कंडीशन कह सकते हैं कि स्लाइड करे भी और स्लाइड ना भी करे. फिजिक्स में तो हम ऐसे ही देखते हैं कि जस्ट स्लाइड और डजंट स्लाइड का मतलब एक ही है. तो फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास म्यू टाइम्स नॉर्मल. तो अगर ये होनी चाहिए तो इसका मतलब आना चाहिए 3mg साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू 3mg कॉस थीटा. तो यहाँ से म्यू की वैल्यू होनी चाहिए 10 थीटा, एंड दिस इज योर आंसर.